हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीटीच। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेट इंडियन कंसर्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेट इंडियन कंसर्न को जीआई भी कहा जाता है ना, ठीक है। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इस ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर सपोज 2.35 है ना मेरे पास कोई वैल्यू, अगर इसका ग्रेट इंडियन वैल्यू पूछा जाता है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन मैं प्लॉट कर रहा हूँ समझाने के लिए। 2.35 कहीं यहाँ कहीं होगा, 2 और 3 के बीच में, ये 2.35 मैंने दिखा दिया, ठीक है। 2.35 के पहले ऐसे इंटीजर तो बहुत है ना, यहाँ -1, -2, 0, 1, 2, ठीक है, ये सारे इंटीजर्स हैं, इधर और भी होंगे, ठीक है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर्स कौन सी है ना 2.35 से पहले, ठीक है, इंटीजर वैल्यू ग्रेटेस्ट कौन सी है, 2 है, ठीक है। ऐसे नाम से भी समझ में आ रहा है हमको, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा है ना 2.35 का। तो 2.35 से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। एक बार देखते हैं, और अगर 11.35 ले लिया मैंने, ठीक है, तो क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। ऐसे भी समझो 11.35 12 को तो रीच नहीं किया है, तो 12 से पहले कौन सी इंटीजर वैल्यू है, 11, ठीक है, ठीक है। और समझ लेते हैं, अगर मैंने ले लिया 17.75, ठीक है, तो 17.75 18 को रीच नहीं किया, लेकिन 17 को तो रीच कर गया है, तो क्या जाएगा 17। अगर मैंने, ठीक है, यहाँ पे 15.0 ले लिया, ठीक है, तो ये इंटीजर वैल्यू है ना 16 को तो रीच किया ही नहीं, लेकिन 15 को तो रीच कर गया है, 15 ये खुद के इक्वल है ना, तो इंटीजर वैल्यू 15 ही आएगी, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज पॉजिटिव है, पॉजिटिव उसमें तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर मैं निगेटिव लेता हूँ, सपोज मैं -1.75 ले लिया, ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, समझते हैं। ये -1 ऑलरेडी नंबर लाइन में शो किया हुआ है, -2 शो कर रहा हूँ, -1.75 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो -1.75 से पहले, ठीक है, इंटीजर वैल्यू कौन सी, ग्रेट इंटीजर वैल्यू -2 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। तो नेगेटिव में थोड़ा ध्यान से करना होता है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं कोई सी वैल्यू पूछूंगा आप बता सकते हैं, इतना एग्जांपल काफी है मेरे ख्याल से, ठीक है। सपोज -3.75 पूछ लिया, तो क्या आएगा, अपने को पता है -3.75 से पहले, ठीक है, कौन सी इंटीजर वैल्यू होगी, -4 होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर ही मैं बना देता हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है। इधर भी दिखा देते हैं -1, -2, -1, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस, हम y इक्वल टू ग्रेट इंटीजर ऑफ x बनाना चाह रहे हैं, समझते हैं। जब x की वैल्यू अगर मैं 0 से 1 के बीच लेता हूँ, है ना, x की वैल्यू 0 से 1, 1 पे ओपन है, ठीक है, तो क्या आता है, अगर 1 नहीं ले रहा हूँ, 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब 0 को तो रीच कर गया है, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा है ना। मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ऐसा नजर आएगा, ऐसा, और 1 पे ओपन, और एग्जैक्टली 1 पे क्या जाएगा, एग्जैक्टली 1 पे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 से 2 लेता हूँ, है ना, अगर x की वैल्यू मैं 1 से 2 लेता हूँ, ठीक है, तो ग्रेट इंटीजर क्या जाएगा, 2 पे ओपन है, लेकिन 1 से बड़ी है, 1 को रीच कर गया, मतलब 1 आए, ठीक है, कैसा बनेगा, ठीक है, ऐसा 2 पे ओपन, और एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 पे तो 2 देगा, ठीक है, और 2 से 3 के बीच, ऐसा 3 पे 3 दे देगा, और 3 से 4 के बीच, ऐसा, तो ये स्टेप्स बन रहा है ना, ऐसा नजर आ गया होगा आपको, 4 पे 4 देगा, ठीक है, और ऐसे 4 से 5 के बीच, ऐसा, और 5 पे फिर ऐसा ओपन, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ अगर मैं सपोज x बिलोंग टू -1 से 0 लेता हूँ, ठीक है, तो -1 से 0 के बीच क्या, -1 को रीच कर गया, देखो वैल्यू है ना, x की वैल्यू -1 को रीच कर गया, लेकिन 0 को रीच नहीं किया, तो क्या वैल्यू आएगी, -1, ठीक है, और 0 पे ओपन, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे तो 0 भी देगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू -2 से -1 लेता हूँ, -1 पे ओपन, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये -1 पे x इक्वल टू है ना। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, ग्राफ ऐसे स्टेबल बन रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना, ठीक है, ग्राफ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है ना, ग्रेट इंटीजर ऑफ x, है ना, x के इक्वल हो सकता है, लेकिन x -1 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है, ठीक है। x के इक्वल कब होता है, जनरली कोई इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो x के इक्वल होता है, जैसे समझो, है ना,
मैंने, ठीक है, 2.75 है ना, अगर इसका, ठीक है, ये क्या है, x की वैल्यू 2.75 है, ठीक है, तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 2.75 का ग्रेटेंट एयर क्या होगा, 2 होगा, और 2 माइनस 1 तो 1 होता है, और ये 2.75 है ना, x तो यही है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखो, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू है ना बड़ी है इस, ठीक है, ग्रेटेंट एयर की वैल्यू से, ठीक है, तो बड़ी तो है, इक्वल कब होता है, इक्वल जब इंटीजर होता है तो होता है, अगर मैंने सिर्फ 2 ले लेता, ठीक है, ग्रेटेंट एयर ऑफ 2, ठीक है, तो 2 माइनस 1 1 होगा, और ये तो 2 ही है, तो ग्रेटेंट एयर ऑफ 2 क्या आएगा, 2 आएगा, और ये 1, और इस केस में देखो ये इक्वल नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये x के इक्वल तब होता है जब x इंटीजर हो। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, कोई भी वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टी देखते हैं, जब ग्रेटेंट एयर ऑफ x प्लस ग्रेटेंट एयर ऑफ माइनस x, ठीक है, ये जेड है ना, चलो इंटीजर को जेड से शो किया जाता है, ठीक है, तो ग्रेटेंट एयर ऑफ x प्लस ग्रेटेंट एयर ऑफ माइनस x, ठीक है, मैं सपोज इंटीजर ले लेता हूँ भाई, है ना, ठीक है, चलो x को 2 ले लेते हैं, तो ग्रेटेंट एयर ऑफ 2 प्लस ग्रेटेंट एयर ऑफ माइनस 2 क्या आएगा, ग्रेटेंट एयर ऑफ 2 तो 2 ही आएगा, और ग्रेटेंट एयर ऑफ माइनस 2 इंटीजर की वैल्यू तो इंटीजर ही आती है ना, तो ये ऐसा आ गया, क्या आ गया, 0। तो जब इंटीजर ले रहे हैं तब तो 0 आ रहा है ना, ये हमें नजर आ गया, ठीक है, ठीक है, जब इंटीजर नहीं ले रहे हैं मतलब कोई, ठीक है, ऐसी वैल्यू होगी, सपोज मैंने 2.75 ले लिया, तब देखते हैं 2.75 और ये माइनस 2.75, तब क्या हो रहा है, समझते हैं, 2.75 के लिए तो 2 होगी, यहाँ समझो माइनस 2.75 है, मतलब माइनस 2.75 है, तो इससे पहले है ना ग्रेटर इंटीजर वैल्यू क्या है, माइनस 3, तो ये माइनस 3 देगा, तो आंसर क्या है इसके, माइनस 1। तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी होगी आपको, ऐसे आप कोई भी इंटीजर वैल्यू लेके दे सकते हैं, कोई भी एक्स की कोई वैल्यू ले लीजिए, ये आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तीसरी प्रॉपर्टी समझने की कोशिश कीजिए, है ना, अगर m, ठीक है, m कोई इंटीजर है तो उसको मैं ग्रेटेंट एयर फंक्शन से बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, सपोज, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कुछ लिया है ना 3.75 प्लस 4 ले लिया है, तो इसकी वैल्यू क्या नजर आ रही है, ये अगर मैं प्लस भी करता हूँ अंदर में, ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है, 7.75, ये क्या 7 ही आएगा, ठीक है, अगर मैं इसको सेपरेट कर लेता पहले, ठीक है, 3.75 प्लस 4, ठीक है, क्लियर है, तब भी ये वैल्यू क्या 3 ही देगा, तो 3 प्लस 4 7 ही आएगा, क्लियर है, आपको निगेटिव वैल्यू लेके भी दे सकते हैं, सपोज मैंने माइनस 1.5 ले दिया प्लस 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1.5 क्या आने वाला है, 2.5 है ना, तो 2.5 का ग्रेडिएंट एयर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, अगर मैं सेपरेट पहले से अगर माइनस 1.5 अलग और ये प्लस 4 को बाहर ले लिया, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, माइनस 1.5 है, माइनस 1.5 मतलब ये माइनस 1 को रीच नहीं किया है, माइनस 2 से माइनस 1 के बीच है, तो ग्रेडिएंट एयर क्या लेगा, ये माइनस 2 देगा, तो माइनस 2 प्लस 4 क्या 2, ऐसे आपको चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है, तो कोई भी इंटीरियर वैल्यू है उसको बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन से, ठीक है, और ठीक है, ये भी समझने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है, अगर ग्रेटर इंटीरियर ऑफ एम एक्स इज नॉट इक्वल टू एम इंटू ग्रेटर इंटीरियर ऑफ एक्स, अगर एम इंटीरियर है तो, ये तो समझना बहुत आसान है, ठीक है, एम चलो है ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एम की वैल्यू में 2 ले लिया, ठीक है, और एक्स सपोज 0.5 है, ठीक है, तो ये क्या दे दिया, ये तो 1, ठीक है, और ग्रेडिएंट एयर ऑफ 1 तो 1 होता है, लेफ्ट हैंड साइड ऐसा, ठीक है, 1 आ रहा है, अगर मैं राइट हैंड साइड लेके चलो, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या आएगा, m की वैल्यू 2 ले रखा हूँ और ये 0.5 का ग्रेडिएंट एयर क्या 0 होगा, तो 2 इंटू 0 तो 0 आना है, तो इक्वल आ रहा है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं ना, सॉल्व फॉर x बोला है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या नजर आ रहा है, 2 ग्रेटेंट एयर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेंट एयर ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है, तो इसको थोड़ा ई बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए है ना, मैं ग्रेटेंट एयर ऑफ एक्स को टी ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या नजर आएगी, ये क्वेश्चन क्या नजर आएगा, 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको ब्रेक करना आता है हमें ना, ब्रेक कर लेते हैं, 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, 2t t माइनस 2 माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल टू 0,
टी माइनस टू, टू टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ रही है टी की, तो टू एक वन बाई टू। टी बेसिकली है क्या, ग्रेट इंटीजर ऑफ एक्स है, तो ये क्या है, ये तो हमेशा इंटीजर होता है ना, तो इंटीजर होता है तो ये वैल्यू तो कभी पॉसिबल नहीं है ना वन बाई टू, तो क्या एक ही वैल्यू नजर आई, ठीक है टू ही नजर आया, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या समझ में आया कि ग्रेट इंटीजर ऑफ एक्स क्या टू के इक्वल। अब समझो ग्रेट इंटीजर ऑफ एक्स टू के इक्वल कब होता है, ग्रेट इंटीजर ऑफ एक्स टू के इक्वल कब होता है, जब एक्स की वैल्यू ठीक है टू के इक्वल तो होनी ही चाहिए है ना, ठीक है टू से मैं थोड़ा भी कम लूंगा तो ये क्या वन ले लेगा, तो टू तो होनी चाहिए, लेकिन अगर थ्री से मैं हल्का सा कम लेता हूँ, सपोज 2.999 लेता हूँ तब भी टू लेगा, मतलब थ्री पे ओपन। तो एक्स की वैल्यू ठीक है अगर टू से थ्री वेरी कर रही है ठीक है, तो एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा। तो हमें सॉल्व फॉर एक्स बोला था, ये एक्स, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन समझते हैं। सॉल्व फॉर एक्स बोला है ठीक है, इनइक्वालिटी हमने सॉल्व करना सीखा भी है, अभी हमने प्रॉपर्टी देखा था ठीक है, अगर ये वैल्यू इंटीजर है ना, हमने क्या प्रॉपर्टी देखा था x प्लस माइनस m, अगर m इंटीजर है, अगर m इंटीजर होता है तो क्या ले सकते हैं, इंटीजर ऑफ x ये बाहर आ जाता है ना ठीक है, तो वही कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस थ्री को मैंने बाहर ले लिया, इंटीजर ऑफ x माइनस थ्री, ये वन है ये माइनस टू है। अभी इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है, माइनस थ्री इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा ठीक है, थ्री माइनस टू ये तो वन हो गया, इंटीजर ऑफ x, और ये क्या हो गया वन प्लस थ्री फोर। तो इंटीजर ऑफ x वन से फोर वेरी कर रहा है ना, वन पे क्लोज है फोर पे ओपन, ठीक है तो समझो ना, ये क्या ये तो इंटीजर वैल्यू देता है, तो इंटीजर ऑफ x ठीक है वन से फोर के बीच कितनी इंटीजर वैल्यू नजर आती है, वन पे इक्वल है तो वन, टू थ्री है ना, फोर पे ओपन है तो फोर नहीं ले रहा है ठीक है, तो वन कब हो सकता है सोचो, इंटीजर ऑफ x इक्वल टू वन कब हो सकता है ठीक है, जब x बिलोंग्स टू वन से टू के बीच हो ठीक है, x इक्वल टू टू कब ले सकता है, जब x ठीक है टू से थ्री के बीच हो, थ्री पे ओपन, और x इक्वल टू थ्री कब पॉसिबल है, जब x ठीक है थ्री तो ले सकते हैं, और थ्री से बड़ी क्या फोर तक, फोर पे ओपन रहेगा, अगर फोर के इक्वल कर दिया तो फोर आ जाएगा है ना, हमें क्या फोर नहीं चाहिए देखो है ना, फोर पे ओपन है मतलब इंटीजर ऑफ x फोर नहीं चाहिए ठीक है। तो ओवरऑल मैं क्या बोल सकता हूँ, x की वैल्यू वन से टू भी वेरी कर रही है, टू से थ्री भी पॉसिबल है, थ्री से फोर भी पॉसिबल है, तो x बेसिकली वन से फोर ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर x यहाँ समझते हैं ना, ये क्या इनइक्वालिटी दे रखा है, ये फिर क्वाड्रेटिक है ठीक है, तो मैं क्या फिर से इसको t ले लेता हूँ, इंटीजर ऑफ x को ठीक है, अब क्या लिख सकता हूँ इसको, टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री लेस देन जीरो, इसको ब्रेक करना आता ही है, ब्रेक कर लेते हैं, टी स्क्वायर किससे ब्रेक होगा, प्लस थ्री टी माइनस टी माइनस थ्री लेस देन जीरो, टी कॉमन टी प्लस थ्री माइनस वन टी प्लस थ्री लेस देन जीरो, आगे क्या लिख सकता हूँ, टी प्लस थ्री टी माइनस वन लेस देन जीरो, इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है हमें, कर लेते हैं, क्या आ रहा है माइनस थ्री और ये वन, प्लस माइनस प्लस, लेस बोला है, अगर लेस बोला है तो क्या वैल्यू पॉसिबल है, ये माइनस थ्री से वन के बीच, तो टी की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, माइनस थ्री से वन ठीक है, तो टी क्या था हमारा ग्रेट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ग्रेट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस थ्री से वन ठीक है, तो ग्रेट इंटीजर ऑफ एक्स क्या इंटीजर ही लेता है, तो इंटीजर माइनस थ्री से वन के बीच क्या क्या पॉसिबल है, माइनस टू माइनस वन जीरो, माइनस थ्री को क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस थ्री पे ओपन है, वन को क्यों नहीं लिया क्योंकि वन पे भी ओपन है, तो ये तीन वैल्यू पॉसिबल है ना ग्रेट इंटीजर ऑफ एक्स की ठीक है। तो समझते हैं ग्रेट इंटीजर ऑफ एक्स क्या क्या पॉसिबल है, माइनस टू माइनस वन और जीरो। अभी समझो माइनस टू कब पॉसिबल है, जब एक्स की वैल्यू मैं माइनस टू से है ना माइनस वन लू तब पॉसिबल है ठीक है, माइनस वन कब पॉसिबल है ना ठीक है, ग्रेट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन कब पॉसिबल है, जब मैं एक्स की वैल्यू माइनस वन के इक्वल लू तब भी पॉसिबल है, तो माइनस वन से लेके जीरो तक, जीरो पे ऊपर रखो तब ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू ठीक है, अब देख लेते हैं जीरो कब पॉसिबल है, ये भी अपने को पता है ठीक है, जीरो से लेके वन तक जब जाऊंगा वन पे ओपन रहेगा तब, तो एक्स की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, माइनस टू से माइनस वन, माइनस वन से जीरो, तो एक्स देख लेते हैं माइनस टू से माइनस वन यूनियन माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से वन। अब देखो माइनस वन यहाँ पे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे यूनियन है मतलब ऑलरेडी कवर हो गया, यहाँ पे जीरो पे ओपन है लेकिन यहाँ पे जीरो कवर्ड है,
तो ये भी कवर हो गया, तो मैं सीधे क्या ले सकता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस टू से वन, ये हमारा आंसर। जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, आपके साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं, धन्यवाद।